हे गाइस, वेलकम बैक टू द एआर यूट्यूब चैनल। और आज से दो दिन पहले ईस्टर्न एयरलाइन फ्लाइट 5735 29,000 फीट के एल्टीट्यूड पर बड़े ही मजे से उड़ान भर रहा था, तभी अचानक से ये प्लेन किसी पत्थर की तरह नीचे गिरने लगा। महज 2 से 2.5 मिनट्स में ही प्लेन आसमान से जमीन पर जा टकराया और फिर इसके टुकड़े टुकड़े हो गए। ये हादसा आखिर कैसे हुआ, आखिर क्या हुआ था इस प्लेन के साथ, आइए पता लगाने की कोशिश करते हैं। बोइंग 737-800 मॉडल का एक प्लेन कुमिंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरने वाला था। प्लेन में 123 पैसेंजर्स और 9 क्रू मेंबर सवार थे। इस प्लेन को गुआंजू इंटरनेशनल एयरपोर्ट जाना था। करीब 1:10 में ये प्लेन उड़ान भरा। प्लेन में सब कुछ ठीक चल रहा था। एटीसी के कांटेक्ट में ही ये प्लेन 29,000 फीट के एल्टीट्यूड पर उड़ता जा रहा था। इसके बाद अचानक से एटीसी का संपर्क प्लेन से टूट गया। पर ऐसा क्यों? वेल, इसके बारे में अब तक किसी को भी पता नहीं था। करीब 2 मिनट बाद वांजू सिटी से गुजर रहे एक कार में कुछ लोग बैठे हुए थे। उन्होंने नोटिस किया कि हिल के तरफ आसमान से एक प्लेन वर्टिकली नीचे की ओर गिर रहा है और फिर अचानक से एक धमाका हुआ। कार में एक सीसीटीवी कैमरा भी लगा हुआ था और इसने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया। वहीं कुछ और आसपास के निवासियों ने भी इस घटना को अपने कैमरे में फिल्माया। अब ये कंफर्म हो चुका था कि फ्लाइट 5735 जिसका संपर्क 2 मिनट पहले टूटा था, अब वो क्रैश हो चुका है। लोकल निवासी घटना स्थल पर पहुंच गए। वहां का नजारा बेहद दर्दनाक था। ये प्लेन एक हिल से टकराया था। इसके टकराव की वजह से एक बहुत बड़ा गड्ढा बन गया। प्लेन के छोटे छोटे टुकड़े बिखरे पड़े थे, जिसका फुटेज आप मेरे इंस्टाग्राम पर भी देख सकते हैं। टकराव के तुरंत बाद आग लग गई। जब तक लोग घटना स्थल पर पहुंचे, तब तक आग जल के धरती काली हो चुकी थी। ये सब देख के ही लग रहा था मानो कोई भी इंसान इतने भयानक हादसे में जिंदा नहीं बचने वाला। और ठीक ऐसा ही हुआ। कुछ ही घंटों बाद ये कंफर्म कर दिया गया कि इस घटना में सभी 132 लोग मारे गए। अब तक इंटरनेट में सीसीटीवी का रिकॉर्डिंग देखते ही देखते वायरल होने लगा। सभी सबूतों को, सारे वीडियोस, फ्लाइट रडार 24 के रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए आइए इस केस को समझने की कोशिश करते हैं। प्लेन के टेक ऑफ के करीब 10 मिनट बाद ये प्लेन अपने मैक्सिमम एल्टीट्यूड में पहुंच गया। इसके बाद ये प्लेन 29,000 फीट में आके ऑटो पायलट में उड़ान भरता रहा। यहाँ पर आप रडार में भी देख सकते हैं, ये प्लेन एकदम सीधे उड़ रहा है, लेकिन क्रैश के तकरीबन 2.5 मिनट पहले ये ग्राफ बेंड होना शुरू हो गया, यानी कि यहीं पर ऑटो पायलट ऑफ हो गया होगा। इसके बाद ही प्लेन नीचे वर्टिकली गिरने लगा। इसका रियल फुटेज भी इंटरनेट पर अवेलेबल है। घटना के करीब 2 घंटे बाद ही मैंने इस ग्राफ को देखकर ये बता दिया था कि प्लेन वर्टिकली किसी पत्थर की तरह धरती से टकराया होगा। ये ग्लाइड करके नीचे नहीं गिरा। पर सवाल ये आता है कि ये प्लेन इस तरह से नीचे की ओर कैसे गिरने लगा। दोस्तों, आज से करीब 2.5 साल पहले, साल 2018-19 में महज 6 महीनों के अंतराल में ही 2 बोइंग 737 का विमान क्रैश हो गया। लाइन एयर फ्लाइट 610 और इथोपियन एयरलाइन फ्लाइट 302, ये दोनों ही प्लेन एक ही तरीके से अचानक नोज डाउन हो गया। पायलट्स लाख कोशिश करते रहे प्लेन को बचाने की, पर फिर भी वो असफल रहे। ये दोनों ही प्लेन ईस्टर्न एयरलाइन की तरह नीचे की ओर तेजी से गिरने लगा था। केस की छानबीन करने के बाद ये पता चला कि इस प्लेन में एक नई टेक्नोलॉजी इंस्टॉल किया गया था, जिसका नाम था MKS। MKS को अगर सिंपल भाषा में समझे तो इसका काम था कि अगर प्लेन का नोज जरूरत से अधिक ऊपर जा रहा हो तो ये MKS प्लेन को खुद कंट्रोल करके नोज को नीचे ले आएगा। प्रॉब्लम तब शुरू हुआ जब MKS के कंप्यूटर में गड़बड़ी होने लगी। कंप्यूटर का काम था कि अगर प्लेन का नोज ऊपर हो तो उसे डाउन करके नॉर्मल करे, लेकिन कभी कभी ये कंप्यूटर अजीब तरीके से काम करने लगता। प्लेन का पोजीशन नॉर्मल होने के बावजूद भी MKS के कंप्यूटर को लगने लगता कि नोज ऊपर हो चुका है, पर इन रियलिटी वो नॉर्मल कंडीशन में ही है। इसके बाद कंप्यूटर प्लेन के नोज को डाउन कर देता, और अगर नोज डाउन हुआ इसका मतलब कि प्लेन सीधे
धरती से टकरा जाएगा। इस तरह बैक टू बैक दो प्लेन्स एमकेएस के फॉल्टी कंप्यूटर की वजह से क्रैश हो गया। 29 अक्टूबर 2018 में जब लाइन एयर क्रैश हुआ था, तभी मैंने अपना ओपिनियन देते हुए कहा था कि जब तक इस न्यू टेक्नोलॉजी के बारे में अच्छे से छानबीन नहीं कर लिया जाता, जब तक कि इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट सामने नहीं आ जाती, तब तक दुनिया भर के सभी बोइंग 737 मैक्स को ग्राउंडेड कर देना चाहिए। लेकिन मैं कोई मिनिस्टर नहीं हूँ और न ही कोई एविएशन का बड़ा अधिकारी, इसलिए उस वक्त मेरी सुनने वाला कोई भी नहीं था। इसके 6 महीने बाद इथियोपियन एयरलाइन क्रैश हो गया, उसी एमकेएस की वजह से। तब जाके पूरी दुनिया की आंखें खुली। इसके बाद पूरे वर्ल्ड वाइड बोइंग 737 मैक्स को बैन कर दिया गया। क्या ये एमकेएस ईस्टर्न एयरलाइन को भी क्रैश करा सकता है? वेल, जवाब है नहीं। एमकेएस टेक्नोलॉजी सिर्फ बोइंग 737 मैक्स में इस्तेमाल किया गया था और ईस्टर्न एयरलाइन बोइंग 737-800 का मॉडल है, न कि मैक्स का मॉडल। बहुत से लोग इस कंफ्यूजन में थे कि एमकेएस की वजह से ऐसा हुआ होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो फिर कैसा है? मतलब कि सवाल तो उठना लाजमी है कि आखिर ये सब हुआ तो कैसे हुआ। वेल, ये घटना बहुत ही रेयर है, बहुत मतलब बहुत ही रेयर। 98% चांस है कि ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन अब भी 2% चांस है कि ऐसा हो सकता है। आइए बात करते हैं इसी 2% के बारे में। जब प्लेन में कोई स्ट्रक्चरल फेलियर हो, सपोज प्लेन का कोई ऐसा हिस्सा टूट जाए जो प्लेन को कंट्रोल करता हो, ऐसे में प्लेन आउट ऑफ कंट्रोल हो सकता है। ये नीचे की ओर गिर सकता है, लेकिन यहाँ पर प्लेन सीधे नहीं बल्कि रोल करते हुए या डगमगाते हुए नीचे गिरेगा। लेकिन वीडियो में ऐसा नहीं लगता, वैसे वीडियो की क्वालिटी भी सही नहीं है। हालांकि ब्लैक बॉक्स से ये पता चल जाएगा कि प्लेन का स्ट्रक्चरल फेलियर हुआ था या नहीं, प्लेन हिल में टकराने के बाद टूटा था, या फिर टकराव के पहले ही इसके टुकड़े टुकड़े हो गए। घटना को इन्वेस्टिगेट करने के लिए ये जानना बहुत ही जरूरी है। दोस्तों, यहाँ पर मैं एक ऐसा पॉइंट ऐड करना चाहूँगा जो इस पूरे केस को सॉल्व कर सकता है। जैसा कि हम जानते हैं, प्लेन के विंग्स से होकर हवा गुजरती है, तभी प्रेशर डिफरेंस के कारण प्लेन के विंग्स को लिफ्ट मिल पाता है। जब ये प्लेन सीधे रनवे पर रन करता है, तब भी लिफ्ट प्लेन को ऊपर की ओर मिलता है। जब ये 3 डिग्री नीचे की ओर आ रहा होता है, तब भी विंग्स को ऊपर की ओर लिफ्ट मिलता है। इसीलिए जब प्लेन वर्टिकली नीचे गिरेगा, तब भी इसके विंग्स के ऊपर की ओर लिफ्ट मिलेगा। अगर प्लेन 29,000 फीट से वर्टिकली नीचे की ओर गिर रहा था, तो विंग्स के द्वारा जनरेट किया गया लिफ्ट प्लेन को सीधा करने की कोशिश जरूर करता, कुछ इस तरह से। पर ऐसा नहीं हुआ, ऐसा लग रहा था जैसे कोई तो ऐसा था जो प्लेन के इस लिफ्ट को, यानी कि प्लेन को सीधा करने से रोक रहा था, ताकि ये वर्टिकली हिल से टकरा जाए। मतलब कि क्रैश होने तक प्लेन को कंट्रोल किया जा रहा होगा। पर आखिर ऐसा कौन कर सकता है? वेल, ये जरूरी नहीं कि कोई इंसान ही हो, हो सकता है ऐसा जबरदस्ती किया या फिर करवाया गया हो। एमकेएस के जैसे कोई और टेक्नोलॉजी प्लेन पर हावी हो गया हो। हो सकता है कि प्लेन का हॉरिजॉन्टल स्टेबिलाइजर, जो प्लेन के नोज को अप डाउन करने में मदद करता है, वही डैमेज हो गया हो। ये सारी कहानी जो अभी अभी आपने सुना, वो मेरे रिसर्च और ओपिनियन पर आधारित है। हो सकता है लोग मेरे बात पर एग्री करे और हो सकता है नहीं भी। मेरा मकसद किसी को ब्लेम करना नहीं है। सच चाहे जो भी हो, एक ना एक दिन रिवील होके रहेगा और तब हम और भी बेहतर तरीके से इस केस को समझ पाएंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में अभी तक के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, बुरा लगा तो डिसलाइक कर देना, और दोनों ही केस में चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस चैनल में सीखने के लिए बहुत कुछ है। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए और सीखते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।